Good morning students, welcome to online class. Today I am going to teach you the first chapter of your literature course book and the topic is the raindrops. First of all I want to say you about the summary of this story. This story is about farmer Seth and two little raindrops Pete and Pat. Farmer Seth had a large field of wheat. He worked very hard to grow his wheat, but it was all drying up. He became very sad. Then Pete and Pat, two little raindrops, saw him and decided to help the farmer, and they did it so. They were going on such a good errand that all the other raindrops decided to follow Pete and Pat. Finally, a whole shower came down and wheat was watered. Farmer Seth rejoiced, his hard work was finally rewarded. Now, I will read the first para of this story and you have to also read this yourself. There are five difficult words in this paragraph. First one is weeded. It means to remove unwanted wild plants, jungli paudhon ko hatana. Second one is wither. It means to become dry and die, murjha jana. Third one is droop. It means to bend downwards, niche ki aur jhuk jana. Fourth one is harvest, which means to cut and collect ripe crops, पके हुए फसल को काटना. फिफ्थ वन इज स्टॉक्स विच मीन्स स्टेम्स ऑफ प्लांट्स. नाउ आई रीड दिस पैरा. फार्मर सेठ हैड अ लार्ज फील्ड ऑफ वीट. ही वीडेड इट केयरफुली एंड प्रेड फॉर इट टू रेन एवरी डे. ही वॉन्टेड टू सेल हिज वीट सो दैट हिज फैमिली कुड लिव ऑन दैट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. However, after working hard for many months, he saw that the wheat had started to wither and droop. This was because there had been no rain for a long time. He began to fear that all his hard work would be wasted and he would have no wheat to harvest. He felt very sad. Every morning, he went out to the field, looked at the thirsty wheat stalks and prayed for it to rain. In this paragraph, farmer Seth has a large field of wheat. Farmer Seth ke paas ek bada sa khet hai jisme wo gehun lagaye hue hain. Wo gehun upjane ke liye bahut mehnat karte hain, usme se jangli paudhon ko hatate hain, kadi mehnat karte hain taki wo गेहूं होने के बाद उसे बेच के अपने साल भर का खर्चा चला सकें घर का. बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद फिर भी गेहूं जो थे मुरझा गए थे, झुकने लगे थे, क्योंकि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी. उन्हें डर हो गया था कि उनका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा और वो गेहूं को काट नहीं पाएंगे, फसल हो नहीं पाएगा. वे बहुत दुखी हो गए. दूसरी सुबह वे खेत में गए और प्यासे गेहूं के तने को देखा और भगवान से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए. वन डे एज ही स्टूड लुकिंग अप एट द स्काई होपफुली, टू लिटिल रेन ड्रॉप्स पिट एंड पैट सॉ हिम. एक दिन जब वो आशा लगाकर आकाश में देख रहे थे तो दो बारिश की बूंद पीट और पैट ने उन्हें देखा. पीट सेड, लुक एट दैट फार्मर, आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम. ही वर्क सो हार्ड टू ग्रो हिज व्हीट बट नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप. आई वॉन्ट टू हेल्प हिम. पीट ने कहा, उस किसान को देखो, मुझे उस पे बहुत दया आ रही है. उसने बहुत कड़ी मेहनत की है गेहूं उपजाने के लिए, लेकिन ये सारे सूख रहे हैं.
मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। यस मी टू सेड पैट, बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, वॉट कैन वी डू, जस्ट द टू ऑफ अस कांट वाटर अ बिग फिल। पैट ने जवाब दिया कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ बारिश की दो बूंदें हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ दो बूंद पूरे खेत को नहीं पटा सकते, पूरे गेहूं को नहीं पटा सकते। वेल सेड पिट, आई नो आई कैन नॉट डू मच, बट परहैप्स आई कैन चीयर अप द फार्मर अ लिटिल। आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, आई गो डाउन टू द फील्ड टू शो आई एम रेडी टू हेल्प। पिट ने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर शायद मैं किसान को थोड़ा सा खुशी दे दूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और मैं फील्ड में जाऊँगा, बरसूँगा और उसको उसकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। देन बिफोर फॉलिंग पीट क्विकली एडेड, पैट कम अलोंग विथ मी। पीट बरसने से पहले उसने कहा, पैट तुम भी हमारे साथ आ जाओ। वेल इफ यू आर रियली गोइंग आई विल कम टू, पैट ने जवाब दिया, ठीक है, जब तुम सचमुच में ऐसा करने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। विथ अ ग्रेट शाउट ऑफ जॉय द रेन ड्रॉप्स जंप डाउन, पिट लैंडेड ऑन द फार्मर्स नोज एंड पैट फेल ऑन अ थर्स्टी स्टॉक ऑफ व्हीट। खुशी के मारे दोनों रेन ड्रॉप्स पिट और पैट नीचे आए, पिट जो है फार्मर के नोज पे जाके गिरा और पैट जो है एक प्यासे गेहूं के तने पे जाके गिरा। ओह सेड फार्मर सेट, व्हाट्स दैट अ रेन ड्रॉप, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, एट लास्ट आई डू बिलीव वी शैल हैव अ शावर। फार्मर सेट ने कहा, ओह ये क्या था, ए रेन ड्रॉप, एक बारिश की बूंद, ये कहाँ से आया, मुझे तो विश्वास नहीं था जो ये शावर होने वाला है। By this time, many raindrops had come together to see what the two raindrops were up to. When they saw the kind little drops going down to cheer the farmer and water his wheat, one remarked, "If you two are going on such a good errand, I'll go too." And down it came. उस समय जब ये दोनों रेन ड्रॉप्स साथ में आए तो बाकी बारिश की बूंदों ने सोचा कि जब ये दो मिलके किसान को खुश कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी इसमें ज्वाइन हो जाएं, इतने अच्छे काम में उनकी सहायता करें। मी टू सेड अनदर, एंड मी एंड मी एंड मी एंड सो दे ऑल ज्वाइन पिट एंड पैट अंटिल अ होल शार केम डाउन एंड द व्हीट वॉज वाटर्ड। और इस तरह सारी बारिश की बूंदें अपने आप में फैसला लिए कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, और पूरे शावर में वो बरस गए और पूरा गेहूं में पानी पट गया। देन द व्हीट ग्रू एंड राइपेंड, और गेहूं पक गए। फार्मर सेट रिजॉइस्ड, फार्मर सेट बहुत खुश हो गए। All his hard work was finally rewarded because one little raindrop tried to do whatever little it could. ये सारी कड़ी मेहनत का जो उन्हें सफलता मिली वो इसलिए मिली क्योंकि एक छोटी सी बारिश की बूंद ने कोशिश किया, जितना उससे हो सकता था उसने कोशिश की और वो कोशिश उनकी कामयाब रही। Now this story teaches us to help somebody. We should help somebody in need.
हम लोग को जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, समय पड़ने पे हमें लगे जो हमसे किसी को खुशी मिलती है तो वो खुशी हमें उन्हें देनी चाहिए। नाउ इन द सेकेंड पार्ट आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर, आई विल राइट द आंसर। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू मेक योर फेयर कॉपी एंड रेडी फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।